दिवाली त्यौहार बड़ों के साथ ही छोटों के लिए भी ढेर सारी खुशियां लेकर आता है। देश में होने वाले प्राचीन ऐतिहासिक किलों की पहचान बनी रहे इसके लिए दिवाली के मौके पर बड़े किले की छोटी प्रतिकृति बनाने की परंपरा है, जिसमें बच्चों का विशेष योगदान होता है। सोशल नेटवर्किंग के इस जमाने में बच्चे इस परंपरा से दूर होते जा रहे हैं और सोशल नेटवर्किंग के आदि हो रहे हैं। लेकिन शहर के भांडी प्लॉट परिसर में रहने वाले साची केतेय और सिद्धेश केतेय भाई बहन ने अब इस परंपरा को संजोए रखा है। केते भाई बहन को ऐतिहासिक किलों से काफी लगाव रहा है, इसलिए हर दिवाली के अवसर पर वे घर पे पड़े वेस्ट मटेरियल से छोटे किलों की प्रतिकृति तैयार करते आ रहे हैं। इस बार भी भाई बहन ने दिल्ली स्थित प्रसिद्ध लाल किले की प्रतिकृति निर्माण की है। हूबहू लाल किले की प्रतिकृति बनाने के लिए दोनों भाई बहन ने घर में ही पड़े वेस्ट मटेरियल का उपयोग किया है। इस किले के निर्माण के लिए दोनों ने काफी समय दिया है। भाई बहन ने बताया कि वे हर वर्ष दिवाली का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इससे पहले भी उन्होंने मिट्टी से छोटे किले की प्रतिकृति साकार की है। लाल किला देश में एक महत्वपूर्ण किला रहा है, जहां पर सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम होते हैं। इसलिए उन्होंने इस बार दिवाली के मौके पर लाल किले की प्रतिकृति साकार करने की बात सोची और उनकी यह सोच साकार हो गई। जबकि दिवाली को कुछ ही दिन शेष है, इसके पूर्व ही उन्होंने अपने घर के आंगन में लाल किले की प्रतिकृति साकार की, जिसे साकार करने में पूरे 5 दिन लगे। आज यह पूरी तरह से तैयार हो गया है, इसे रोशनाई से सजाया भी गया है। केते भाई बहन द्वारा तैयार की गई लाल किले की प्रतिकृति परिसर में चर्चा का विषय बन गई है। इसे देखने के लिए पड़ोस के बच्चे भी बड़े चाव से आ रहे हैं। मिट्टी यूज की है, वीट, वीट का वीटे यूज की है, मट से लाई थी आगे वाले, फिर 2 दिन उनके उसे भिजाने के रख दी थी, और फिर पहले वीट लगे नीचे, उसके ऊपर फिर मसाला लगाया। बाहर से कुछ भी नहीं लाया, सब घर में ही था, वो ही यूज़ किया है। और स्पेशली खड्डे और अपना वीट वगैरह वो ज़्यादा, और मट्टी मट से लाई और 2 दिन भिजा कर रखा है, पप्पा ने ला के रखी है, फिर 2 दिन भिजा के रखी है, फिर उसे लगाया उसमें। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोबरागड़े के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट, NBC News नागपुर।